जोनर्स नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। दोस्तों, आज के इस खास पेशकश में मैं आपसे बात करूंगा इसी कपल के बारे में और साथ ही मैं बात करूंगा कॉफी विद करण सीजन 6 के उस एपिसोड के बारे में जिसमें करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा जोनर्स साथ में पहुंची थी। वहीं यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा ने अपने रिलेशनशिप के बारे में निक जोनर्स के साथ पूरी पूरी जानकारी दी। ग्रीस में प्रपोजल और साथ ही साथ 2 महीने डेटिंग के बाद अचानक से शादी का प्रपोजल और शादी हो जाना और साथ ही अपनी ग्रैंड वेडिंग को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने यहां पर बात की। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। वेल, क्या सच में जल्दबाजी में हुई प्रियंका चोपड़ा की शादी और पत्नी प्रियंका चोपड़ा ने पति निक को लेकर ऐसे कौन से बयान दे दिए जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं? हम यहां पर आपसे बात कर रहे हैं कॉफी विद करण सीजन 6 के उस एपिसोड की जिसमें करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा जोनस दोनों साथ में पहुंचे। ये एपिसोड बेहद ज्यादा लाइमलाइट का कारण रहा। इस एपिसोड में बेहद ज्यादा चर्चाएं हुई प्रियंका चोपड़ा को लेकर और उनकी शादी को लेकर। प्रियंका चोपड़ा ने एक एक करके निक जोनस के बारे में बताना शुरू किया। प्रियंका चोपड़ा ने सबसे पहले तो ये कहा कि हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि निक जोनस और उन्हें डेट किए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे और 2 महीने बाद ही ग्रीस में निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा को प्रपोज कर दिया। ऐसा कहना था प्रियंका चोपड़ा का और साथ ही साथ उन्होंने बातचीत की अपनी ग्रैंड वेडिंग को लेकर भी। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी ग्रैंड वेडिंग पर ये बातें कही कि ये बहुत शानदार वेडिंग थी। इस वेडिंग में मैंने हर वो चीज की जो कि मैं करना चाहती। प्रियंका चोपड़ा ने यह भी कहा कि वो 4 साल की उम्र से दुल्हन बनने के ख्वाब देखा करती थी और उन्होंने अपनी शादी में वो सारे ख्वाब लगभग पूरे किए। प्रियंका चोपड़ा ने यह भी बताया कि कैसे उनकी शादी जहां मेहरानगढ़ फोर्ट में हुई थी तो वहीं इस शादी में बहुत ही कम लिस्ट थी और साथ ही साथ प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि वो निक जोनस के साथ इस शादी के बंधन में बंधकर बेहद ज्यादा खुश है। साथ ही करण जौहर ने कई बार प्रियंका चोपड़ा की टांगे खींचने की कोशिश की। करण जौहर ने यह कहा कि शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा तो सिर्फ खुश ही दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने भी बातचीत की कि कैसे उन्होंने अपनी शादी में मेहमानों के फोन लॉक करा दिए थे। उन्होंने बताया कि सभी मेहमानों के फोन उन्होंने लॉक करा दिए थे ताकि उनकी अजीब सी तस्वीरें ना ले ले कोई भी। बीते साल यानी कि साल 2018 की सबसे बड़ी ग्रैंड वेडिंग्स में से एक रही दीपिका रणवीर की और दूसरी रही प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की। इस साल जहां दोनों शादी के बंधन में बन चुके थे तो वहीं प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में बातचीत की निक जोनस को लेकर और साथ ही तमाम बातचीत की उन्होंने अपनी ग्रैंड वेडिंग को लेकर और साथ ही साथ निक जोनस के साथ डेटिंग को लेकर। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।